हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं नारियल की चटनी, वो भी दो स्वादों में। ताज़े नारियल से बनी ये चटनियाँ, डोसा, इडली, वड़ा, इन चीज़ों के साथ आप इनको खाएं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। 2 से 3 दिन तक आप इसे फ्रिज में एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं नारियल की चटनी दो स्वाद में। सबसे पहले ग्राइंडर जार में हम डालेंगे 1 नारियल छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1/4 कप भुनी हुई चना दाल, ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है, 3 से 4 लहसुन की तुरियां, 15 ग्राम इसमें जाएगी इमली और स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को मिलाकर हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी मिलाएंगे, और आप जितनी उसे दानेदार या पतला चटनी को रखना चाहते हैं वैसे हम उसे पीस लेंगे। चटनी अच्छे से पिस गई है, ज़रा सा पानी डालकर इसे और चला लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। आधी चटनी को हम निकाल लेंगे और आधी को हम ब्लेंडर जार में ही रहने देंगे। इसमें अब हम मिलाएंगे 1/2 कप धनिया और 2 हरी मिर्चें कटी हुई, ये चटनी को बहुत ही अच्छा स्वाद देंगे। ग्राइंडर में एक बार इसे चला लेंगे अच्छे से, इसे भी कटोरी में निकाल लेते हैं। धनिया के स्वाद वाली हरी चटनी और ताज़े नारियल की चटनी दोनों तैयार हैं। आइए तड़के की तैयारी करते हैं। पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, आंच को धीमी रखेंगे। अब इसमें जाएगा राई और सरसों 1 बड़ा चम्मच, 2 हमने इसमें सूखी लाल मिर्च डाली है और थोड़े से कड़ी पत्ता। ये तड़का चटनी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तड़का तैयार हो गया है, गैस को कर देंगे बंद। तड़के को चटनी के ऊपर डालते हैं। धनिया की चटनी और नारियल की चटनी दोनों हमारी तैयार है। डोसा, इडली, वड़ा या किसी पकौड़ों के साथ भी ये दोनों चटनियाँ बहुत ही अच्छा स्वाद देती हैं। आप इसे फ्रिज में 2 से 3 दिन तक एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं। अगर चटनी गाढ़ी हो जाए तो ज़रा सा पानी गर्म करके आप चटनी को दोबारा उसी कंसिस्टेंसी पर ला सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।